ग्राम सभा लोमर की रोड है, पतली सिंगल रोड है, शादी मदनपुर की खदान है। इसको तो शादी मदनपुर से ही जाना चाहिए ना। इतनी यहाँ दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुँचते, डिलीवरी केस तमाम ऐसे आते हैं कि नहीं, मजबूरन हत्या हो जाती है। देखिए, हर गांव में तीन मूल पॉइंट है गवर्नमेंट के। पहला शिक्षा, दूसरा सड़क, तीसरा स्वास्थ्य। इनमें से शिक्षा पूरी पूर्ण तरह से बाधित हो रही बच्चों की। जब रोडे नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ने जाते हैं, उनका भविष्य क्या होगा। दूसरी बात, किसी महिला को डिलीवरी होना है, जब रास्ते नहीं रहेगी तो मर जाएगी। दो मर चुकी, दो महिलाएं मर चुकी, एक का एक्सीडेंट हो गया, हाथ कटाहट बैठा है, उसकी शादी की शादी नहीं हो रही। अब हम लोग बैठे हैं कि अगर निकले गाड़ी निकलेगी जभी, जब हम लोगों को सबको मार डालेगी तभी निकल पाएगी, नहीं उसके पहले कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। सीधा ट्रक जला दिया जाएगा, ज्यादा दिमाग खराब करेगा शासन भी, तो शासन के ऊपर भी। गवर्नमेंट जब तक के हमें कोई साधन नहीं बना के देती है समस्या का हमारी, जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकल सकती। 6 किलोमीटर से लाया है, वैसे ही अपना जो है दो किलोमीटर और ले जाए, हमको कोई इतराज नहीं, हमको खदान से कोई लेना देना नहीं, नहीं ना कोई बुराई है ना हमको खदान में कोई आपत्ति है चलने से, खदान चले। आपत्ति है कि हमारे रोड से ट्रक नहीं निकल सकते। चिल्ला से लोमर तक के बीच कोई क्रॉसिंग नहीं है, आ रही तो पीछे से पीछे। यहाँ अगर किसी की मजबूरी में तबीयत भी खराब हो गई तो अगर एक ठेला यहाँ से फंस गया तो वहाँ तक के लिए कोई पासिंग नहीं मिलती हम लोग को। ब्रजेश प्रजापति जो तिंदवारी विधायक है, उसके दबाव में आके फोर्स सहित वहाँ गए हैं, और वहाँ जो है पहले थाने में उनका जो है चाहे चालान करने का विचार रहा हो, थाने बुलाते रहे हैं, इसके बाद मौके पर गए हैं। अभी भी मौके में वहाँ जो है महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं। आज जो है हमारा जो लोमर मार्ग लोमर के लिए चिल्ला से जाता है, उस पर ट्रक लगवा दिए गए। आज बच्चे जो है पूरे गांव के 200 बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा पाए, स्कूल बस नहीं पहुंच पाए। हम ये चाहते हैं कि या तो कोई नया रोड बनाया जाए, या तो जहां से खदान है वहीं से निकले ये लोग। ऐसा है कि शादी मदनपुर गांव में बालू के खनन के पट्टे का 5 साल का पट्टा हुआ है, जिसके पट्टेदार ने 2-2.5 किलोमीटर सड़क निजी जमीन से बनाई है, और उसके बाद सरकारी सड़क रास्ता मिल गया उसको, उसी से जोड़ करके निकालने की बात। तो सड़क गांव लोमबार, वो सड़क पक्की सड़क अभी नई बनी है, अच्छी हालत में है। निश्चित रूप से बालू के गाड़ियों से निकलने से कुछ ना कुछ ट्रक में अब सड़क में डैमेज होता ही है, और बालू वाले ने गांव वालों से कमिटमेंट किया है, हम वैकल्पिक रास्ता खोज लेंगे और उस पर निकालेंगे। अभी फिलहाल चलने लगी, और सड़क खराब भी होगी तो सरकार उसको बनवाएगी, गांव के निवासियों के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ का वो रास्ता बता रहे हैं, वो भी गाँव की आबादी से होकर जाता है, सकरा रहता है, वहाँ टर्न वगैरह है जहाँ ट्रक नहीं घूम पाएगी, तो वो गाँव वालों का कहना उचित नहीं है। और इस रास्ते से कोई आबादी नहीं पड़ती है, जो इस लोमार आबादी पीछे छूट जाती है, उसके पहले से ही रास्ता शुरू हो जाता है, तो रास्ते का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह की ग्रामीण पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया।